नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। विकास नगर ब्लॉक में एक ऐसी महिला जो दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष किया करती थी, लेकिन आज के समय में महिला 100 से ज्यादा महिलाओं को समूह से जोड़कर रोजगार दे रही है। ऐसे में महिला वर्तमान समय में महिलाओं के लिए प्रेरणादायक बनी हुई है। देखिए, बता दें कि विकास नगर ब्लॉक फतेहपुर ग्राम की श्यामा चौहान स्वयं सहायता समूह संचालिका कभी दो वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष किया करती थी। आज 100 से अधिक महिलाओं को समूह से जोड़कर रोजगार दे रही है। महिला वर्तमान में महिलाओं के लिए प्रेरणादायक बनी हुई है। जागृति स्वयं सहायता समूह, जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका जागृति मिशन के तहत भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को महिलाएं आगे बढ़ा रही है। स्वयं सहायता समूह की 100 महिलाएं और लड़कियां जुड़ी हुई है। बैग, गैर बैग, पॉलिथिन बैग, अचार, एलोवेरा जेल, विभिन्न प्रकार की ज्वेलरी, राशन किट की पैकिंग और लॉकडाउन के दौरान मास्क बनाने का काम किया। वर्तमान में ये स्वयं सहायता समूह की संचालिका श्यामा चौहान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से जुड़कर जो बेटियां घर में हैं उनको महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण दे रही है। इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए मुख्यमंत्री ने भी पुरस्कार से सम्मानित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। नमस्कार, मेरा नाम श्यामा चौहान है और हमारे समूह का नाम महिला जागृति स्वयं सहायता समूह है और हमारे ग्राम संगठन का नाम जय माता दी है। अच्छा, अभी आपके समूह में कितने महिलाएं कार्य कर रही हैं? हमारे समूह में तो 10 महिलाएं हैं, लेकिन हमारे समूह के साथ जुड़ के कम से कम 100 से भी ज्यादा महिलाएं और लड़कियां मिलकर कार्य कर रही हैं। अच्छा, आप जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भी कार्य कर रहे हैं, थोड़ा इस पर प्रकाश डालेंगे? हाँ जी, क्योंकि जैसा कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक योजना चली हुई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बाल विकास के माध्यम से ये कार्यक्रम बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है। मुझे बहुत खुशी होती है और मेरी दो बेटियां हैं, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरी दो बेटियां खुश हैं तो जितनी भी बेटियों को मैं खुश रख सकूँ उनके लिए मैं निःशुल्क प्रशिक्षण चला रही हूँ, उनको सिलाई से संबंधित प्रशिक्षण देती हूँ और मास्क बनाने का काम हम कर रहे हैं, और उसी मास्क में हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर लोग स्क्रीन पेंटिंग खुद कर रहे हैं जिससे कि जनता तक एक सुंदर मैसेज जाए। अच्छा, क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं आप समूह के अंतर्गत ये मास्क के अलावा? जी, समूह में तो हम जैसे जूट बैग का काम करते हैं, गैर पॉलिथीन बैग का काम करते हैं और राशन की पैकिंग करते हैं, अचार बनाने का काम है हमारे कुछ समय, समूह ज्वेलरी का काम भी करते हैं, और अभी हाल ही में हमारा एक स्वयं सहायता समूह है स्वाभिमानी स्वयं सहायता समूह, तो उन्होंने कैंडल बनाने का कार्य भी शुरू किया है, अचार बनाने का काम करते हैं, जूस बनाते हैं, एलोवेरा बनाते हैं, बहुत सारे काम हमारे स्वयं सहायता समूह की बहनें करती हैं, जिसमें कि हमने OBC RCT निजबर्ड खादी ग्राम उद्योग और कृषि विज्ञान केंद्र करानी से प्रशिक्षण लिया है। ठीक है, धन्यवाद। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज।